जो पुराना तुम लोग ने देखा था, जो रील्स आती थी, वो भी उस वही फोटोग्राफिक प्लेट वही होती है, ठीक है। अब जब फोटोग्राफिक प्लेट पे रेडिएशंस जाते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट होती है। इफेक्ट होती है मतलब फोटोग्राफिक प्लेट्स में तुमको कलर वेरिएशन दिखते हैं। हमारा कैमरा ऐसे ही वर्क करता है। हमारा कैमरा क्या करता है कि सामने से आने वाली सारी लाइट को कैप्चर करता है और फोटोग्राफिक प्लेट पे छोड़ देता है, और वही लाइट जब फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कलर वेरिएशन लेके आके इमेजेस बनाती है। समझ रहे हो मेरी बात? है ना, तो इसको हाँ सर, फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं हम लोग। अब रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कैसे करती है, सुनो। रेडिएशन कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। ये टाइम पर पार्टिकल थे, लेकिन इनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया था बिग बैंग का, इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया था कि ये पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना चालू कर दिए और अपना मास कंप्लीटली लूज करके उनको एनर्जी में बदल दिया। सो नाउ दे आर नो मोर पार्टिकल्स, दे आर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। यू गेट दैट राइट? और जब एनर्जी को तुम फोटोग्राफिक प्लेट पे डालोगे, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे कलर वेरिएशन लेके आती है ना। दिस इज हाउ, देख तो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा कोई डिवाइस बना नहीं है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिख जाए, समझे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट की मदद लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा जो तुमने समझनी जरूरी है। कि समझो ये मेरे पास में एक पार्टिकल है, और समझो ये मेरे पास में एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल छोटा है और एक पार्टिकल बड़ा है, ठीक है। तो समझो लाइट का वेवलेंथ, लाइट जो व्हाइट लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक की। मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है। सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा? हाँ। अब समझो कि ये एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसे एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये पत्थर हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तो इस पत्थर के ऊपर पैर रख के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन एक चींटी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ये पत्थर उसके लिए पहाड़ के बराबर है कि नहीं? वो तो इसको ऐसे ऊपर पैर रख के नहीं निकल पाएगी ना, उसको तो इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। मतलब ये जो पत्थर है, उसकी साइज से छोटा अगर कोई साइज का चीज है, तो वो इस पत्थर से टकराएगा। और अगर कोई चीज इस पत्थर के साइज से बड़ी है, तो वो इस पत्थर से नहीं टकराएगी, इस पत्थर को लांग जाएगी, है ना। ये सेम चीज होते हैं रेडिएशंस के लिए, है ना। समझो कि ये पत्थर का जो साइज है ना, लेटेस्ट से ये जो छोटा वाला पत्थर है, उसका साइज है 5000 एंगस्ट्रॉम, और मैंने यहां पर लाइट की वेव्स जाने दी। तो लाइट की वेव्स जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक की, उसमें से हर वो साइज ऑफ वेवलेंथ जो 5000 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, पत्थर से टकराएगा, और बाकी की वेवलेंथ क्या करेगी, पत्थर को लांग जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, है ना। हाँ अब ये सर, पत्थर क्या करेगा, फॉर द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ये पत्थर क्या करेगा, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके वापस छोड़ देगा अलग अलग डायरेक्शन में। ये पत्थर उन रेडिएशंस को पहले एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ देगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग। अब तक हमने लाइट में दो फिनोमिना पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन जो मैंने लंबी क्लास लेके पढ़ाया है, डिस्पर्जन जिसका आइडिया मैंने तुमको दिया है कहाँ पर, वीडियो में, और ये लाइट का तीसरा फिनोमिना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिखते रहो लिखते रहो। द एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड जो फिनोमिना है वो मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहला तो हमारे पास में फिनोमिना है ब्लू कलर ऑफ स्काई,
ठीक है। अब ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या होता है कि स्काई का कलर हमको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, कैसा है ना कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे साइज के, एकदम छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और भी ऊपर जाऊंगा तो डस्ट पार्टिकल्स और छोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि बड़े डस्ट पार्टिकल्स भारी होते हैं, वो तो अर्थ के नीचे मिलेंगे। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो छोटे छोटे, फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स है, राइट। तो आने वाली व्हाइट लाइट, सन से हमारे पास में व्हाइट लाइट आती है, समझो मेरी बात, सन से जो लाइट आती है हमारे पास में वो व्हाइट लाइट आती है। अब ये जो आने वाली लाइट है व्हाइट लाइट, वो छोटे पार्टिकल से टकराएगी, और छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद में वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीन सबसे कम वेवलेंथ वाले लाइट के रेज है कि नहीं है। ये हाँ तीनों के तीनों रेज जो होंगे वो एटमोसफियर से टकरा के हो जाएंगे स्कैटर। समझो कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहां से हमारे पास में एक व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट में से क्या होगा, सारी की सारी ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी स्काई में, छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से ये स्कैटरिंग होगी, और फाइनली हमारी आंखों पे कौन सी लाइट गिर रही है, बोलो, ब्लू 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 कलर की लाइट गिर रही है हमारी आंखों पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ब्लू कलर स्कैटर्स द मोस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो वेवलेंथ ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल्स इन द स्काई, है ना, एंड देयर फॉर द स्काई अपियर्स ब्लू। समझे मेरी बात, हाँ अगर ऐसा तुमसे पूछा तो तुम क्या बोलोगे, लिखो। ये गिव रीजंस बनते हैं भाई बहुत सारे इस चैप्टर में। व्हाइट लाइट कमिंग टूवर्ड्स दी अर्थ स्कैटर्स ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल्स इन दी एटमोसफियर, ठीक है। ब्लू बीइंग लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ स्कैटर्स द मोस्ट, ठीक है, एंड रीचेस आवर आइज, हेंस स्काई अपियर्स ब्लू इन कलर। जस्ट अ सेकेंड, आप समझे मेरी बात, सब कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं सर, अब यही यही चीज अगर मैं बात करूं क्लाउड्स के लिए, तो हमारे पास में क्लाउड्स का कलर क्या होता है, बोलो। व्हाइट, व्हाइट क्लाउड्स अपियर व्हाइट, क्यों? क्लाउड जो होता है वो क्लस्टर होता है वाटर मॉलिक्यूल, विच इज क्वाइट बिग इन साइज, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्लाउड्स में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर और मॉइस्चर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, एटमॉस्फेरिक क्लस्टर्स होते हैं, मतलब क्लाउड में जो पार्टिकल्स है उनका साइज काफी बड़ा है ना। अब ये बड़े साइज के पार्टिकल क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर लाइट के किसी कलर को स्कैटर नहीं करते, ऑन कॉन्ट्रेरी ये पूरे के पूरे व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि इनका तो पार्टिकल साइज बड़ा है ना बॉस, तुम समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। तो इसीलिए हमारे हाँ पास में क्लाउड का कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है ना। दी पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड आर बिग इन साइज, ठीक है, हेंस दे एब्जॉर्ब एंड री एमिट
entire white light. This scattered white light approaches to Earth and hence, समझ गए मेरी बात? सर फिर स्काई का जो कलर मॉर्निंग और इवनिंग में ऑरेंज होता है उसका क्या फैक्ट? बता दो ठीक है मूविंग फर्दर. अब क्या होता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज स्काई अपीयर्स ऑरेंज या रेड कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है. सोचो तुम खुद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब पढ़ा था डिलेड सनसेट एंड अर्ली सनराइज है ना तब हमने ये पढ़ा था ना कि सन जो होता है अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है जिस टाइम पर वो सेट हो रहा होता है या जिस टाइम पर वो राइज हो रहा होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है. अब अर्थ की जो लाइट सॉरी सन की जो लाइट है व्हाइट लाइट वो अर्थ तक आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है. हाँ. क्या पूरी व्हाइट लाइट आएगी? नहीं ना व्हाइट लाइट का मैक्सिमम पोर्शन तो एटमोसफियर में स्कैटर हो जाएगा बहुत पहले ही. ब्लू स्कैटर हो गया येलो स्कैटर हो गया सब स्कैटर हो गया लेकिन जो भी वेवलेंथ ज्यादा है जो भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है दैट इज ऑरेंज एंड रेड वो तो पार्टिकल्स को लांग के अपने यहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं ना अर्थ तक ट्रेवल कर सकते हैं हाँ या ना? तुम समझे मेरी बात? तो इसीलिए हमारे पास में जो लाइट आती है सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो लाइट होती है क्या रेड या फिर ऑरेंज. आर यू गेटिंग मी? यस सर यस सर. बाय आफरीन. वंस मोर योर वीडियो इज ऑफ आई विल बी रिमूविंग यू. सर वीडियो ऑन है मेरा. नहीं बेटा अभी ऑफ था आपका वीडियो. नहीं सर ऑन ही है. ठीक है ना तो इसमें तुम क्या लिखोगे देखो आंसर. ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज सन इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ. ठीक है most of lower wavelength of light coming from sun is scattered in the atmosphere. ठीक है red and orange having high wavelength scatters the least. ठीक है hence reaches earth. hence समझ गए मेरी बात? सर डिस्टेंस मैटर करता है क्या? सर बहुत मैटर करता है भाई बहुत मैटर करता है. कभी तो खुद सोच डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? दूर से दिख जाने चाहिए इसलिए. एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट होती है ओरिजिनली वो कौन सी कलर की होती है? रेड और ब्लू कलर की होती है है ना. रेड इसलिए ताकि दूर से भी लोगों को दिख जाए और ब्लू इसलिए ताकि पास वाले लोगों को भी दिखे. समझ रहे हो मेरी बात? है ना. कभी भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं जैसे कि तुम्हारे बोट होता है सबमरीन बोट इन सब में ना हम लोग फ्लेयर गन रखते हैं. फ्लेयर गन तो जानते ही हो पबजी वाले जानते होंगे. तो ये फ्लेयर गन जो होता है ना उसका कलर रेड कलर का होता है. क्यों? क्योंकि रेड कलर मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है तो सबसे ज्यादा ट्रेवल कर सकता है. ट्रेवल ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है. ट्रेवल ज्यादा इसीलिए करता है क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से वो स्कैटर कम होता है. समझे मेरी बात? अनस्कैटर्ड ट्रैवल कर सकता है. 100 बात की एक बात. यू ऑल गेटिंग मी? यस सर. हाँ सर. ठीक है.
कर लिया नोट तुमने? हाँ सर कर लिया। हाँ हाँ सर। क्या? हाँ सर। वीडियो कैमरा ऑन कर बेटा। सर दो डिवाइस से लॉगिन किया है। ओके। सर म्यूट कर लगा रहते हैं। हाँ भाई पार्थ म्यूट कर लिया अपने आप सर। सर जब स्काई का कलर ब्लू होता है तब हाँ। ब्लू लाइट रहता है वो स्कैटर होता है इसलिए हाँ। ब्लू दिखता है हाँ। बट इस केस में रेड और ऑरेंज लाइट स्कैटर नहीं होता है और हाँ। इसलिए रेड और ऑरेंज दिखता है। नहीं 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 स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है लेकिन वो बहुत पहले हो जाती है अर्थ के एटमोसफियर से भी पहले हो जाती है हमारे तक पहुंचता ही नहीं स्कैटर्ड ब्लू लाइट। अच्छा। समझा बचता क्या है फिर रेड और ऑरेंज लाइट ही बचाना वही हमारे तक पहुंचेगा। फिर सर अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहुंचने से बहुत पहले अगर स्कैटर रहता है तो फिर लाइक आफ्टरनून के टाइम पे ब्लू कैसे दिख? फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ना उधर फर्स्ट आंसर ये ना ब्लू कलर उसका है। हाँ। भाई आफ्टरनून के टाइम पे तेरा सन जो है वो सबसे करीब होता है अर्थ के समझा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है और स्कैटर होके हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। इट्स लाइक दिस देख बताता हूँ तुझे समझ ये तेरा अर्थ है ठीक है और यहाँ पर तेरा सन है इतना पास में अर्थ को थोड़ा नीचे बनाते हैं ठीक है यहाँ पर समझ सन है तो यहाँ से वहां सन की लाइट आती है और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है ऐसा स्कैटरिंग हो जाता है ये आफ्टरनून के टाइम ठीक है। अब मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है सन जो है सॉरी इवनिंग के टाइम पे सन जो है वो बहुत दूर है इधर है समझा। अब सन से आने वाली जो रेज है ना वो इधर ही स्कैटर हो जाती है इधर से ही स्कैटरिंग हो गई तो ये स्कैटर्ड पार्टिकल है ना अर्थ तक बहुत बहुत कम पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली रेड दिखता है सन थोड़ा तो ब्लूइश दिखता ही है ना हमको स्काई ऐसा नहीं कम्प्लीटली रेड समझा। और बची क्या हमारे पास में फाइनली ये सब स्कैटर होने के बाद में रेड कलर की लाइट बचती है जो यहाँ तक पहुंच पाती है समझा मेरी बात? हाँ हाँ समझ गया। It's like this. सर फिर फर्स्ट केस में वायलेट भी सबसे पहले स्कैटर हो जाती है मतलब फर्स्ट जो डायग्राम बनाया ना उसमें वायलेट स्कैटर होती है लेकिन वायलेट हमारी आंखों में सेंसिबल नहीं है वायलेट इतना ज्यादा सेंस नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा ओके समझा। हाँ सर देख अगर मैं एक वाइट कलर का पेपर लेता हूँ तेरे को खुद को अभी प्रूव करता हूँ मैं देख ये देख अगर मैं एक वाइट कलर का ऐसा पेपर लेता हूँ अरे ये क्या हो गया चल ठीक है इससे काम चलाते हैं। अब इस पे देख मैं वायलेट कलर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ये देखिए ठीक है और मैं एक कलर ड्रॉ करता हूँ समझ ब्लू ये देखिए ठीक है और मैं एक कलर ड्रॉ करता हूँ समझ रेड ये देखिए कौन सा कलर सबसे ज्यादा विजिबल है तुझे रेड रेड ना समझा और ये वायलेट भी थोड़ा पर्पल साइडेड है ये वायलेट एक्चुअल वायलेट नहीं है देख एक्चुअल वायलेट लाने की कोशिश करता हूँ मैं ये देखिए रहा एक्चुअल वायलेट दिख रहा है कितना एग्जैक्टली समझ रहे हो तो हमारी आंखों की सेंसिटिविटी पर है वो तो हम ब्लू को ज्यादा प्रेडिक्ट कर लेते इसीलिए ब्लू ग्रीन और रेड हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं ना सो ज्यादा वेवलेंथ रहेगा तो ज्यादा दिखेगा ज्यादा सो ग्रीन प्राइमरी नहीं होता ग्रीन प्राइमरी नहीं होता नहीं सर येलो रेड और ब्लू येलो रेड और ब्लू होता है ब्लू और येलो को मिक्स करके ग्रीन बनता है सर। हां ठीक है वैसा हां सर वैसा देख यार ठीक है तो ये हमारे पास में स्कैटरिंग था बच्चों इतना ही है स्कैटरिंग। अब ये बात तो तुम्हारी समझने की है कि समझो यहाँ पर चांद है चांद पर बैठा है एक आदमी मजे से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा रहा है ठीक है ये समझो हमारे पास में अर्थ है ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगता है इसको स्काई का कलर क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा ब्लैक दिखेगा इसको है ना और अर्थ का कलर क्या दिखेगा ब्लू दिखेगा
ब्लू दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो भी लाइट आ रही है सन से, वो लाइट में से ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जा रही है, ठीक है? ये जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जा रही है ऐसे, ठीक है? लेकिन स्कैटर होने के बाद में जाकर ये अर्थ पे जा रही है ना, तो अर्थ पे बैठे हुए आदमी को स्काई ब्लू दिखेगा, है ना? इस तक तो कोई लाइट आ ही नहीं रही है, आ रही है क्या? नहीं आ रही है। कोई लाइट नहीं आ रही। इसके पास जो लाइट जा रही है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके ये ब्लू लाइट यहाँ पर गई। तो जब ये ब्लू लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई है तो इसको अर्थ दिखेगा ना एज एन ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का, समझ रहे हो मेरी बात? तो ड्यू टू नो एटमोस्फियर अराउंड द मून देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि मून तक सन की लाइट नहीं आ रही है, लेकिन एटमोस्फेयर ही नहीं है ना मून में, तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, तो उसको पूरा स्काई ब्लैक दिखता है। इसीलिए हमने जब भी स्पेस की मूवी देखी है, पूरा स्पेस कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर। अर्थ का ओरिजिनल कलर कौन सा है? अर्थ का ओरिजिनल कलर? पागल वागल है क्या तू? कलर एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मैंने तुमसे बात करी थी इस बारे में वीडियो में। कलर एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मेरे लिए तेरे लिए सेम कलर अलग अलग दिख सकता है, लेकिन उसका वेवलेंथ तो सेम ही रहेगा ना, वेवलेंथ तो अलग होगा नहीं। तेरे मेरे लिए कलर अलग अलग हो सकता है, मतलब मेरे लिए ज्यादा रेड हो गया, तेरे लिए कम रेड हो गया, आंखों टू आईज टू आईज डिफर करता है वो चीज, बट वेवलेंथ एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। उस कलर का जो वेवलेंथ होगा तेरे लिए और मेरे लिए वेवलेंथ उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है भाई? ठीक है, इसकी भी मार्किंग ले लो, इस चैप्टर की मार्किंग, ये सब कुछ है, प्रैक्टिकली पूछो तो। ये देखो इधर स्कैटरिंग डिफाइन किया हुआ है। Scattering is the process of absorption and then re-emission of energy, light energy, by the dust particles and air molecules present in the atmosphere. बारिश के टाइम बादल ब्लैक दिखता है। बारिश के टाइम पे बादल ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि तेरे बादल में इतना ज्यादा पानी होता है, इतना ज्यादा पानी होता है कि वो बादल जो है ना एक पार्टिकल नहीं एक वॉल का काम करता है। तो जो भी लाइट रेज आती है ना वो उस बादल से टकराती है और वापस ऊपर ही चले जाती है, तो प्रैक्टिकली कोई स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है ना उस बादल से, वो स्पेस जैसा सीन बन जाता है, समझा? कोई स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है उस बादल से, लाइट आ रही है उस बादल पे, समझो कि ये वो बादल है, ठीक है? ये रहा वो बादल, ठीक है? अब क्या होता है कि लाइट आएगी इस बादल पे ऐसे और आके सीधी रिफ्लेक्ट ही हो जाती है, हम अर्थ पे बैठे हुए के पास में कोई लाइट नहीं आती है, इसीलिए बारिश का जो बादल है वो क्या होता है? काला होता है, समझे? सर बोलना। सर शाम के समय कभी कभी वो एटमॉस्फेयर मतलब बाहर पिंकिश टाइप भी होता है कभी कभी, वैसे भी। वो भी सेम रीजन है, अर्थ का डिस्टेंस सन से और उस टाइम पर धूल मिट्टी कितनी है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है एटमॉस्फेयर में, पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, वो सब वेरिएशंस के हिसाब से। भाई सात कलर है, सात कलर से पूरी दुनिया बनी हुई है, स्कैटर स्कैटर होके हमारी आंख में जो कलर पहुंच गया वो कलर दिख गया, ऐसा होता है। ओके सर, समझा? यस सर। तू कहाँ गया था बे ऐसे पिंक शाम में? नहीं सर, सिर्फ ऐसे याद है, एक बार घर पे ही बैठे बैठे बाहर देखा था तभी पिंक जैसा था। बैठे बैठे बाहर देखा तो ठीक है, अकेला था ना? नहीं सर, सब थे घर पे, मेहमान भी थे, घर पे थे ना, घर पे थे ना, फिर ठीक है। प्रेम बंचाल इतना खुश क्यों हो रहा है? मैं कुछ नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन हमारे पास में ही हो गया। अभी देखो क्या क्या पढ़ना है, मैं तुमको बता देता हूँ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना है तुमको, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना है, ठीक है ना? ये लास्ट वाला लाइन क्या बोल रहे, देखो, हाउएवर द एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट स्कैटर द लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट टू सम एक्सटेंट।
मतलब पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं, लाइट के वेवलेंथ से जो भी बड़ा होगा ना पार्टिकल, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, देखो सम एप्लीकेशन हमने पढ़ा, रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज, सनसेट सनराइज, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट मून, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स पढ़ा, यूज ऑफ रेड लाइट्स फॉर डेंजर सिग्नल पढ़ा, ये सब हमने अभी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये सब कुछ तुम ना पढ़ के मेरा दिया गया एक पीडीएफ है उसको भी अगर पढ़ लिया, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेट मी शो यू द पीडीएफ दैट आई हैव। This PDF is quite enough to dictate the entire chapter. इसमें सबके give reasons और सबके answers हैं. All you have to do is this, nothing else. Okay guys? ग्रुप पे डाला है. मैं अभी डाल दूँगा, डाल देता हूँ अभी. इसमें कौन-कौन सा batch है? Batch 2 है ना? और बैच 3, ये खाली बैच 2 है ना, ये बोलो ना मूर्खो, बैच भूल गए क्या अपना? बैच क्या? बैच 4 भी है क्या? अरे सब पे भेज दे, चल छोड़ सब पे भेज दे, तुम भी क्या याद करोगे? ठीक है, क्लियर? ये है हमारे स्कैटरिंग का ये पर्पज है, देखो। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर और हमारा फिजिक्स का पोर्शन हो जाता है क्या, कंप्लीट। कूल, ठीक है, चलो अब HCL शुरू करूंगा मैं। ठीक है ना, अब HCL को पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, तो यहाँ से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की दुनिया हो जाती है शुरू, याद है ना केमिकल रिएक्शन 9th स्टैंडर्ड का? हाँ, थोड़ा वैसा ही लगभग ये है, उसकी दुनिया शुरू हो जाती है यहाँ से। देखो मैं चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से, उतना ही पढ़ाता हूँ जितना एग्जाम में आने वाला है, जितना काम का है, और जिसमें तुम लोगों का सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। जब मैं रिएक्शंस पढ़ाता हूँ तब मैं रिएक्शंस में बहुत स्पेसिफिकली किस तरह से तुमको रिएक्शन को समझना है वो बताता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ रटिंग इट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, और ये करना जरूरी है इस साल, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, रटने बैठोगे हो जाओगे पागल। ठीक है ना, तो आज ना मैं तुम लोगों को HCL के बारे में पढ़ाऊंगा और मेनली HCL का रिएक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को। इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग ओल्ड वी विल बी डूइंग व्हाट HCL पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट्स बिगिन। ठीक है, अब HCL में हम लोगों को पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है HCL का लैब प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है HCL की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सल्यूबिलिटी, जिस पे हम पढ़ेंगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और हम लोगों को HCL के बारे में पढ़ना है उसका एसिडिक नेचर, चलो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग HCL का गैसियस नेचर, एसिड कैसे बनाते हैं HCL को वो पढ़ेंगे, है ना, HCL गैस को HCL एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है स्पेशल फनल अरेंजमेंट। ठीक है,
फिर हम लोग फाइनली HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में HCl को हम लोग पढ़ेंगे एज एसिड, ठीक है। दूसरा हम लोग HCl को पढ़ेंगे एज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तीसरा हम लोग HCl को पढ़ेंगे एज ऑक्सीडेशन ऑफ HCl टू Cl2। HCl को अगर ऑक्सीडाइज किया तो वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन छोड़ देगा। ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो HCl अपना हाइड्रोजन छोड़ के बन जाएगा क्या, Cl2। हाइड्रोजन कंटेनिंग सारे कंपाउंड का ऑक्सीडाइज होना मतलब उनका अपना हाइड्रोजन छोड़ना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि अगर मैं बोलूंगा H2S ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बनेगा, S, है ना। अगर NH3 ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बनेगा, N2 बन जाएगा। समझते हो तुम ये बात को, ठीक है ना। तो चलो आज मैं ये चैप्टर उल्टा प्रिफर करूंगा चालू करना, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट। लेट मी टॉक अबाउट HCl एज एसिड। ये पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। अपने पूरे केमिस्ट्री में, अभी की नहीं आगे आने वाली केमिस्ट्री में भी, मेन अपनी ये पूरी केमिस्ट्री में सबसे रेयर ही कहोगे, मेन अपनी ये पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एसिड का बस पांच तरीके से देखा जाता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं गैस प्रोड्यूसर्स, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एसिडिटी इनसाइड योर स्टमक। ठीक है, कैसे गैस प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, कि अगर मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, ठीक है। या तो मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा मेटल सल्फाइड के साथ, या तो मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा मेटल सल्फाइड के साथ, या तो मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा मेटल के साथ, या तो मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा किसी बेस, बेस माने मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? एक एग्जांपल लेता हूं, चलो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाता हूं HCl के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैसे टूटने वाला है, Na प्लस और CO3-2, क्या मैं सही बोल रहा हूं? HCl कैसे टूटने वाला है, दिख रहा है ना तुमको देख के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है, दिख रहा है ना तुमको देख के। HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस की तरह, Na प्लस और Cl माइनस साथ होके बना लेंगे NaCl, H प्लस और CO3-2 साथ में होके क्या बनाएंगे बोलो, H2CO3 बनाएंगे। और ये H2CO3 जो है वो एक वीक कंपाउंड है, क्या है वो, एक वीक कंपाउंड है ना। H2CO3 जैसे वीक कंपाउंड और भी होते हैं, जैसे H2SO3 हो गया और NH4OH हो गया, ये तीनों कंपाउंड हमारी केमिस्ट्री में वीक है, ये प्रोडक्ट साइड में इस तरीके से स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये वीक होने की वजह से टूट जाते हैं। H2O और CO2 में टूट जाएगा, ये H2O और SO2 में टूट जाएगा, और ये NH3 और H2O में टूट जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, NaCl बनेगा, प्लस बनेगा H2O प्लस CO2। देखो गैस प्रोड्यूस हुई ना, है ना। तो मेटल कार्बोनेट के साथ में कौन सा गैस निकलता है हमारे पास में, CO2 गैस निकलता है, ठीक है। वही अगर मैं मेटल सल्फाइड का रिएक्शन करवाता हूँ, लेटस से मैंने करवाया Na2SO3 प्लस HCl, चलो बताओ क्या मिलेगा, फटाफट ब्रेक करो और बनाओ, NaCl प्लस H2O प्लस SO2, राइट। तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में जो मिलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, SO2।
ठीक है, मेटल सल्फाइड के साथ करवाया, अगर समझो मैंने करवाया Na2S plus HCl, बोलो क्या मिलेगा? NaCl plus H2S मिलेगा, NaCl plus H2S। और ये सारे रिएक्शन HCl चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं HCl के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बाकी कोई भी एसिड टिका लो यही सेम चीज होने वाली है, सेम गैस निकलने वाली है। जैसे कि अगर मैं करता हूँ Na2S plus HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो मिलेगा मुझे NaNO3 plus H2S, सही है कि नहीं है? कोई भी एसिड टिका लो यहाँ पर, तो मतलब इतना सा लिख के हमने कितने सारे रिएक्शंस की समस्या को सॉल्व कर लिया है, क्या तुम देख सकते हो? ठीक है, अगर मैंने मेटल को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ में तो क्या होगा? नाइट्रो पढ़ा था अपन ने, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना भाई, है ना, Zn प्लस HCl, है ना, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। हाँ। तो यहाँ अपने पास में जो गैस निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन H2। रियल महेश्वरी तू लिख तो रही है ना या खाली बैठ के भजन सुन रही है? नहीं सर, लिख रही हूँ। ठीक है, समझ गए। और एक बेस के साथ में अगर मैंने रिएक्ट करवाया एसिड को तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट ऑन वाटर, है ना, जैसे कि NaOH plus HCl क्या देगा? देगा NaCl plus what? H2O। तो यहाँ पर H2O वेपर फॉर्म में निकलता है, है ना। सिमिलरली अगर मैं Na2O plus HCl कर लूँ, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों बेस ही होते हैं ना, तो यहाँ पर भी अपन को मिलता है NaCl plus H2O। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन को जो गैस निकलता है वो होता है H2O। अब इसमें एक मजे की बात है कि इस रिएक्शंस में जो भी एसिड तुम लोगे वो एसिड को तुम लोगे डाइल्यूट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डाइल्यूट। सारे बच्चे पागल हो जाते हैं कब HCl को डाइल्यूट लेना है, कब कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, क्योंकि इस साल तुम्हारे डाइल्यूट लिखने पर और कॉन्सेंट्रेटेड लिखने पर पूरी केमिस्ट्री बदल जाने वाली है। तो तुम्हें जब भी आंसर लिखना है यू हैव टू मेंशन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब अपने पास में एक रामबाण जुगाड़ कि जब भी एसिड ये पांच दिए गए पदार्थों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, कोई भी मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेटल या बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तब मैं एसिड को क्या लूंगा? डाइल्यूट। क्या लूंगा? डाइल्यूट। वरना हमेशा मेरा एसिड क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ रहा है सबको? मुझे तो एक और अकाउंट से लॉग इन किया गया। हाँ सर। ठीक है, समझ जाओ मेरी बात को। ओके गाइस, ठीक है। अब समझो ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ यहाँ वाला, तो इसमें हमारे पास में ऑब्जर्वेशन क्या होगा? गैस इज रिलीज्ड विच, अरे ये क्या हो गया, अ गैस इज रिलीज्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड K2Cr2O7, सही है कि नहीं है? यस सर। सही है कि नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? SO2 के लिए क्या होगा? SO2 के लिए अ गैस इज रिलीज्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन। H2S के लिए क्या होगा? याद है तुमको किसी को H2S के लिए क्या होगा? इंजन स्पेलिंग गैस, लेड एसिडेट पेपर, समझे? एक रॉटन एग स्मेलिंग गैस होती है, रॉटन एग स्मेलिंग गैस विच टर्न्स
लेड एसीटेट पेपर ग्रेश ब्लैक और हाइड्रोजन के लिए तो हमको पता है पॉप साउंड विद बर्निंग स्प्लिंटर. सब समझे मेरी बात? हाँ सर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में HCl as an acid. तो हो जाता है HCl as what? Acid. समझ आ रहा है तुमको ना? ठीक है, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ HCl to form precipitate. ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा समझो, एक रिएक्शन करवाता हूँ कि भाई लेड नाइट्रेट लेता हूँ, लेड नाइट्रेट प्लस HCl लेता हूँ, क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा PbCl2 precipitate प्लस मिलेगा HNO3. ठीक है ना, तो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन होता है अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच डिसॉल्व्स इन वार्म वाटर. PbCl2 एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनफैक्ट अ प्रेसिपिटेट नहीं बोलना, बोलना अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच डिसॉल्व्स इन वार्म वाटर. ठीक है, वैसे ही अगर मैं लेता हूं समझो AgNO3 plus HCl. ठीक है, तो यहां पर मेरे को मिलता है क्या, AgCl plus HNO3 मिलता है. ठीक है ना, अब देखो AgCl की खासियत सुनो, उस पर ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि ये तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है और इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन बोर्ड्स में आने फिक्स्ड है, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पर. समझ गए? तो मैं क्या बोलूंगा ना, यहाँ पर हमारे पास में अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. सर कर्डी वाइट? अरे वो कर्डी, नेवी, डल, चौकी, ये सब बात हो गई पुरानी एज स्टैंडर्ड की बेटा. जिस दिन असलियत में केमिस्ट्री लैब में जाएगा कुछ पता नहीं चलने वाला, साला कर्डी है, दूध जैसा है कि दही जैसा है. ठीक है, समझा? सब काला टिक्का भैंस बराबर दिखता है वहां पर. ऐसे रंग बिरंगी टेक्स्ट बुक होती है ना, ऐसी रंग बिरंगी टेक्स्ट बुक होती है तो मानोगे नहीं भाई. हमारे एक्सपेरिमेंट में हुआ था, मैं तभी हमारे टाइम पर एग्जाम होती थी, इंटरमीडिएट एग्जाम बोलते थे जिसको, अभी आजकल जिसको NTSC के नाम से जाना जाता है. मैंने वो एग्जाम दी थी, हमको लेके गए थे केमिस्ट्री लैब में. केमिस्ट्री लैब में आई वाज सपोज्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन जिसका कलर पिंक है. मां कसम 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, एकदम राइट किया, क्या ही कलर बन रहा है, पिंक को छोड़ के सारे कलर बन गए. मैंने सर को बुलाया, मैं बोला सर टेस्ट ट्यूब सारी इम्प्योर है, कोई प्योर टेस्ट ट्यूब दो, कलर नहीं बैठ रहा है. सर बोलते तुम्हें आता नहीं है. मैंने बोला सर मैं एग्जाम छोड़ दूंगा, आप निकाल दो. सर ने किया एक्सपेरिमेंट, ब्लू कलर का बन गया सोल्यूशन, पिंक बनने वाला सोल्यूशन ब्लू बन गया. बता रहा हूँ बंदे ने पूरे मार्क्स दिए मुझे, 20 में से 20. बोलता है बेटा तू डिजर्व करता है. ऐसा नहीं होता, हमें कब मिलेगा ये सुख? हाँ हमें ये सुख भोगने कब मिलेगा? तुम दो ना इंटरमीडिएट की एग्जाम, तुम्हें रोक रहे हैं क्या कोई? टाइम है सर एक्सपीरियंस के लिए. एक्सपीरियंस सही है तुझे, बाकी मेहनत नहीं करनी एग्जाम देने की. हाँ कर लेंगे सर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो AgCl जो बना है इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. AgCl जो है ना इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विच डिसॉल्व्स इन एक्सेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये याद कर लो, ये बहुत काम का है. समझ गए? समझो कोई भी क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड है, कोई भी, समझो HCl है तुम्हारे पास, एनी क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड है ना, उसमें क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है AgNO3 टेस्ट. क्लोराइड आयन का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? AgNO3 टेस्ट होता है, समझे? और AgNO3 के साथ में हम लोग डाल देते हैं HNO3. ठीक है ना, है ना, समझो कि HCl है, उसको मैंने डाला AgNO3 में, तो मुझे क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा प्लस मिलेगा XNO3.
एक्स कुछ भी होने दो, कोई भी मेटल आयन होने दो, NaNO3 हो जाए, ZnO होने दो, Pb होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे क्या मिल गया, XnO3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो AgCl, अच्छा मैं HnO3 क्यों डालता हूँ इसके साथ में, AgNO3 plus HnO3 डालता हूँ, HnO3 डालता हूँ ताकि मुझे तुरंत पता चल जाए कि भाई ये एक ऐसा white precipitate है जो HnO3 में dissolve नहीं होता, क्योंकि अगर HnO3 में dissolve होता तो क्या precipitate बनता बताओ, नहीं बनता था, तो ये HnO3 में dissolve क्या नहीं होता है, समझे मेरी बात। ठीक है, तो ये AgCl बन गया। अब क्या करूंगा कंफर्म करने के लिए कि जो बना है प्रेसिपिटेट वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट AgCl है, क्या करूंगा एक्सेस NH4OH में डालूंगा। एक्सेस NH4OH में डालने पर सिर्फ एक ही ऐसा प्रेसिपिटेट है जो डिसॉल्व होता है, समझे बच्चों? हाँ सर। हाँ आफरीन, तेरे को निकाल रहा हूं मैं, मेरी तुझे भी निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं तेरा दूसरा अकाउंट चालू ही बंद है, बंद है ना, वेरी गुड। समझ गए सारे? ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाने की कहानी हो गई AgNO3। ठीक है, अब मैं एक बहुत स्पेशल कंपाउंड से मिलाता हूँ जिसका नाम है Na2S2O3, Na2S2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, और ये जो S2O3 माइनस टू आयन है ना, इसका नाम है थायोसल्फेट। इसका पूरे का नाम हो गया सोडियम थायोसल्फेट। अगर मैं सोडियम थायोसल्फेट को रिएक्ट करवाता हूँ HCl के साथ में, है ना, देखना बहुत मजेदार कहानी है। तुम देखो सोडियम थायोसल्फेट को कैसे तोड़ोगे, देखो हाँ सुनना, सोडियम थायोसल्फेट को कैसे तोड़ोगे वो बता रहा हूँ, सुनना। एक तो हमारे पास में तोड़ते टाइम पे, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने तोड़ते टाइम पे मेटल को अलग कर दिया है ना, या फिर मैंने समझो सल्फर को अलग कर दिया, मैं बोलता हूँ जब इसको तोड़ना है तो हम लोग ऐसे चीजों में तोड़ते हैं जो चीजें स्टेबल होती है। जब मैं इसको तोड़ता हूँ तो ऐसी चीजों में तोड़ता हूँ जो चीजें क्या होती है, स्टेबल होती है। जैसे कि मैं इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकता, सोडियम प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, मैं बच्चों वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, समझे। मैं इसको तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा कि जो बन रहा है वो स्टेबल हो। जैसे कि सोडियम अकेला नहीं निकलेगा, सोडियम एक ऑक्सीजन को साथ में लेके निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड स्टेबल होता है ना भाई, सोडियम खुद थोड़ा ना स्टेबल होता है, सोडियम तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है सोडियम का, समझे है ना। और क्या होगा, और इसमें से एक निकल जाएगा SO2, सल्फर भी अपने ऑक्सीजन को लेके निकलेगा ना, तो तुम देख सकते हो, देखो तीनों ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं, एक सोडियम के साथ में गया और दो सल्फर के साथ में गए, कैन यू सी दैट, है ना, दो सोडियम भी खत्म हो गया और एक सल्फर भी खत्म हो गया, तो क्या बचा, एक सल्फर बचा ना खाली, है ना। अब देखो इसको इस तरह से तोड़ लिया मैंने, अब क्या करवाऊंगा, एक एक कंपोनेंट को रिएक्ट करवाऊंगा HCl के साथ में, हर एक कंपोनेंट को रिएक्ट करवाऊंगा। तो अगर मैंने रिएक्ट करवाया Na2O plus HCl, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा NaCl plus H2O, सॉल्ट एंड वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई मुझे बता सकता है क्यों? सल्फर सल्फर और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल, तो दो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, अरे बावले कार्बन और ऑक्सीजन भी दोनों नॉन मेटल है, सी प्लस ओ टू सीओ टू होता है ना, फिर भी ये रिएक्ट इसलिए नहीं करेंगे बेवकूफो, क्योंकि दोनों एसिड है, HCl भी एसिड है और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर ना, दो एसिड आपस में थोड़ा ना रिएक्ट करते हैं, तो SO2 रिएक्ट ना करके जैसा है वैसा ही रह जाएगा और सल्फर भी रिएक्ट ना करके जैसा है वैसा ही रह जाएगा, समझे? मैंने बोला ना सब रिएक्शन को याद करने की कला है, ऐसा नहीं होता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन है तो रट लो, हर रिएक्शन के पीछे एक छोटा सीक्रेट होता है और मैं जाना जाता हूँ इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए,
अब बस तुम पर है कि तुम आज घर पर जाके इसको देखोगे या नहीं देखोगे। क्यों सारा, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ओके गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास में सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्शन हो जाता है HCl का। चलो आज की क्लास इतना ही रोकेंगे। तुम मानोगे नहीं, मैंने तुम्हारा 50% HCl कंप्लीट कर दिया है। अब तुम बोलोगे कि सर नोट्स भेज देना, सही है ना? तो मैं स्कैटरिंग का और HCl का दोनों का नोट्स तुमको भेजता हूँ। ओके गाइस, आप ये वीडियो डालोगे? हाँ बेटा, वीडियो डालोगे आप? ये वीडियो डालूंगा मतलब ये वाला वीडियो डालोगे सर अपलोड कर जो रिकॉर्डिंग किया? हाँ डाल दूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुमने देखा समझी नहीं क्या तो कुछ? सर नहीं मैं समझी, लेकिन वो भव्या है ना, उसका मैसेज आया था कि उसका नेटवर्क इशू हो गया था, तो उसने बोला था कि पूछने के। ठीक है ठीक है, डाल दूंगा कोई टेंशन नहीं, डाल दूंगा।